रेलवे टिकट काउंटर पर टिकट लेने आया यात्री। रेलवे कर्मचारी ने 500 के नोट को बना दिया 20 का नोट। इस कर्मचारी को लग रहा है कि इसने बड़ी आसानी से यात्री को ठग लिया। लेकिन यात्री भी कम नहीं है, इसने चुपके से वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन करके दिखाते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यात्री ने कर्मचारी को 500 का नोट टिकट खरीदने के लिए दिया है। कर्मचारी इस यात्री को अपनी बातों में उलझाता है। सुपर फास्ट ग्वालियर। दाएं हाथ से 500 का नोट लेकर नीचे गिरा देता है। फिर बाएं हाथ से 20 का नोट दाएं हाथ में पकड़ लेता है। इसके बाद यात्री से कहता है कि टिकट का 125 रुपया हो गया। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ। एक 125। लेकिन कर्मचारी की चालाकी मोबाइल कैमरे में कैद हो जाती है। ये मामला दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है, जहां एक यात्री ने टिकट खरीदने के दौरान रेलवे कर्मचारी की उस करतूत को कैमरे में कैद कर लिया, जिसे देखने के बाद आप भी काउंटर से टिकट खरीदते समय और सतर्क हो जाएंगे। ये वीडियो 25 नवंबर को ट्विटर हैंडल रेल विस्पर्स से शेयर करते हुए दावा किया गया कि ये क्लिप 22 नवंबर की है, जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बुकिंग ऑफिसर का है, जहां 500 रुपए के नोट को बुकिंग क्लर्क ने 20 रुपए के नोट से बदल दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसने रेलवे सेवा और दिल्ली मंडल उत्तर रेलवे का भी ध्यान आकर्षित किया। इस पोस्ट का जवाब देते हुए संबंधित रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।